हाँ जी, ये स्वामी जी किसी एक ऋषि ने किसी मंत्र की व्याख्या कर दी। व्याख्या कर दी, ठीक है, तो जितने भी वो ऋषि होंगे क्या हुआ सेम व्याख्या करेंगे या अंतर हो सकता है? कुछ अंतर हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। एक मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ भी होते हैं, तो अलग अलग ऋषि अलग अलग व्याख्या भी कर सकते हैं। जो दूसरा ऋषि कह रहा है वो मंत्र वो बात भी कह रहा है, जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे मंत्र के भी अनेक अर्थ होते हैं, वाक्य के भी अनेक अर्थ होते हैं, होते ही हैं, वो तो ईश्वर ने बता ही रखे हैं। जिस ऋषि को एक अर्थ बताया वो भी ईश्वर ने बताया, दूसरे ऋषि ने दूसरा अर्थ किया वो भी ईश्वर ने बताया, मतलब उस मंत्र का दो अर्थ होता है, तभी तो ईश्वर ने दोनों को अलग अलग अर्थ बताया। ऋषि जो भी कहेगा, इस बात को पक्का दिमाग में रख ले, ऋषि जो भी कहेगा वो ईश्वर की बात कहेगा, अपनी नहीं कहेगा। तो एक ऋषि ने जो अर्थ किया वो भी ईश्वर का बताया है, दूसरे ऋषि ने दूसरा अर्थ किया वो भी ईश्वर का बताया हुआ है। तो जब ईश्वर स्वयं ही कह रहा है कि इस मंत्र का ये भी अर्थ है ये भी अर्थ है, तो ठीक है, ईश्वर के सामने तो किसकी बात चलेगी, किसी की नहीं चलती। तो ऋषि लोग जो कहते हैं वो ठीक है, बस जो ऋषि नहीं बना, जिसने समाधि नहीं लगाई, जिसने वेद को ईश्वर से समाधि में पढ़ा नहीं, वो तो कुछ भी बोलेगा, वो प्रामाणिक नहीं। इसलिए हम दो चीज़ प्रामाणिक मानते हैं शब्द प्रमाण में, या तो ईश्वर का वचन हो या फिर ऋषि का वचन हो। ऋषि का वचन वही कहेगा जो ईश्वर कह रहा है। अब सीधा सीधा वेद का मंत्र समझ नहीं सकते, इतनी योग्यता नहीं है, तो फिर एक ही रास्ता बचा, ऋषि ने जो अर्थ लिखा है उसको पढ़ लो, उसको भी समझ में आ जाएगा। और वो भी नहीं पल्ले पड़े तो किसी और विद्वान को पूछो, जी मुझे समझा दो ये क्या कह रहा है। जैसे हमें कानून समझ में नहीं आता तो हम वकील की सहायता लेते हैं, भाई समझाओ ये क्या कह रहा है, तो वकील उसकी व्याख्या करता है कि ये कानून ऐसा कहता है। तो ऐसे विद्वानों की सहायता लेकर प्रमाण तो वही रहेगा जो सीधा वेद मंत्र हो या ऋषि वचन हो, बस। जी के बाद में कुछ सुने किया। थोड़ा थोड़ा किया शुरू में, हाँ। किया था तो स्वामी जैसे आज का मंत्र था दवा सो प्रणाम। ठीक है, मंत्रों को देख कर तो सीधा ही था दवा तो जैसे, हाँ दो पक्षी है, ठीक है ठीक है। तो इतनी योग्यता होने के बाद भी स्वामी जी कहाँ मतलब ये गड़बड़ थी भाई? उसके बाद भी गलतियां होती रहती हैं, कमियां रहती हैं, सारी बातें एक दिन में या कुछ दिनों में दो चार साल में आदमी नहीं सीखता। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आज मान लो आपकी उम्र 28 वर्ष है, तो आपकी जो योग्यता बुद्धि आज है क्या 5 वर्ष पहले इतनी थी? बढ़ गई ना। और 10 वर्ष पहले उतनी भी नहीं थी जितनी 5 साल पहले थी। 18 साल की उम्र में आपकी योग्यता कुछ अलग थी, 23 साल की उम्र में योग्यता बढ़ गई, और आज 28 में और बढ़ गई, और आने वाले 5 साल बाद 33 में इतनी रहेगी और बढ़ेगी, बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी। वो तो मनुष्य चेतन है, रोज देखता तो कुछ तो सीखेगा ही, कुछ ना कुछ सीखेगा, जरूर सीखेगा। जैसे पिछले 5 साल से आज बढ़ गई तो अगले 5 साल में आज से ज़्यादा बढ़ेगी। तो रोज आदमी नई नई बात सीखता है, योग्यता बढ़ती रहती है। तो इसी प्रकार से 40-45 साल में जो महर्षि दयानंद की योग्यता थी वो जो भी थी, उसके बाद 5 साल बाद और बढ़ी, उसके 5 साल बाद और बढ़ी, तो रोज़ बढ़ती रहती है। तो शुरू शुरू में योग्यता कम थी, तो व्याकरण आदि पढ़ने के बावजूद भी सिद्धांत में कुछ कमियां रही। फिर धीरे धीरे वो प्रचार करते रहे, सोचते रहे, धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत है। तो चौथा नियम बना ही रखा है, सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो असत्य जो जो समझ में आया छोड़ते गए, छोड़ते गए, जो सत्य समझ में आया वो स्वीकार करते गए। ऐसे चलते चलते उनकी योग्यता फिर आगे चल के बहुत अच्छी हो गई, ऐसा होता। ठीक है जी।